व्हाट्सएप एंड वेलकम टू मायापुरी कट। तो दोस्तों आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है मायापुरी मैगजीन का एडिशन नंबर 2323। जी हाँ दोस्तों, पिछले दो हफ्ते से हम आपके लिए मैगजीन का रिव्यू या यूं बोले कि कुछ उसके अंदर जो फोटोज होती हैं उसका रोस्ट लेकर हम अपना मिर्च मसाला लगा के आपको कुछ बताते हैं। तो आज भी हम वैसे ही एक मैगजीन 2323 जिसका एडिशन नंबर है उसको हम फोटोज के बारे में, उसमें कुछ इंटरव्यूज के बारे में अपने दर्शकों से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले मैं इसकी बात करूं कवर पेज की, बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े कलंक और उनकी मूवी भी आ रही है कलंक। एक्चुअली वरुण धवन और सोनाक्षी सिन्हा कलंक हैं, लेकिन आलिया भट्ट को उसने कलंक इसलिए कहा क्योंकि भाई जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, भाई वही हिसाब हो गया है कि इन दो कलंक के साथ मिलके ये भी कलंक हो गई। क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी एक्टिंग नहीं आती थी, इसके साथ साथ रह के आलिया भट्ट के अंदर भी क्या पता वही रंग ना आ जाए। राजी में अच्छी खासी एक्टिंग की थी, अब पता नहीं कलंक में ये कितना चलती है। या मेरे को तो लग रहा है इसका आलिया भट्ट गाएगी कलंक मुंह लग गया, कलंक ही मुंह लग गया इन, क्या पता नहीं क्या हो गया है कि करण जौहर ने सीधा उठा के कलंक का एक पेस्ट्री ली और इनके मुंह पे मार दी। पता नहीं भाई ये कलंक मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, हालांकि मैं डे वन से जब से इसका टीजर ट्रेलर जो भी पुलिस के लॉन्च हो रहे हैं मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई बेसिकली इसने कलंक मूवी साइन क्यों करी। आदित्य रॉय कपूर कलंक साइन करते हैं समझ आता है क्योंकि वो कलंक, वरुण धवन करता है वो कलंक, सोनाक्षी सिन्हा ने साइन किया वो कलंक, ये क्यों भाई तुम थोड़ी कलंक को क्या हो गया यार। मतलब ये पेरेंटल प्रेशर में आ गई होगी, जैसे इनको पता लग गया ना धर्मा प्रोडक्शन ने इनका पूरा करियर इन्हीं ने सवार रखा है यार। पहले देखो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर राजी भी, सारी हिट धर्मा ने ही दे रखी है, तो भैया फिर धर्मा के पीछे ही पड़ गई है ये सारी लड़की, अब हमें धर्मा की ही मूवी चाहिए बस। तो ये तो थी हमारी भाई कवर पेज। अगर हम अपनी फर्स्ट फोटो की तरफ बढ़े तो ये है भैया इसकी पहली फोटो। नाइस, मुंबई में लॉन्च किया एयर मैसेज इंडिया BCL सीजन 4। भैया इसमें ऐसे ऐसे एक्टर है जो आपको पूरे साल कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन BCL के शुरू होते ही पता नहीं कहां से अचानक से आ जाते हैं। भैया बेसिकली जो BCL है वो है बॉक्स क्रिकेट लीग, जिसके अंदर होता क्या है, कुछ नामचीन जो हमारे टेली सोप्स के सितारे हैं जिनका कभी नाम नहीं सुना था, जिन्हें कहीं देखा नहीं होता, जो एक आध सीरियल में साइड एक्टर एक्ट्रेस बन के आए होते हैं, वो बेसिकली टीम बना के खेलते हैं। क्या बोले इनके बारे में, मिलने मिलके इसके अंदर अगर मैं आपको पहली फोटो की बात करूं, इसके अंदर आपको मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। इसमें आपको एकता कपूर देखने को मिलेंगी, करण पटेल, ओहो क्रिस्टल डिसूजा, यार ये मेरी फेवरेट है। कौन कौन है, एक तो इतने ज्यादा आधे से ज्यादा होते जिनके हमने कभी नाम ही नहीं सुने। स्पेशली यहाँ पे आपको दिखेंगी राखी सावंत, मतलब जो भी भैया ये औरत सबसे ज्यादा आज के डेट में ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि राखी सावंत का जितना नाम हुआ है इन सारे डेली सोप के एक्टर्स में से उतना मेरे को नहीं लगता किसी और का भी नाम हुआ है क्या, क्योंकि जो हरकतें करती रहती है आके टीवी पे PewDiePie ट्रेंडिंग में नहीं जितना ये बंदी है बंदी ट्रेंडिंग में, मतलब ये पहन के क्या रखी है और ये पोज देख रहे हैं आप कैसे मार रही है। तो दोस्तों ये तो थी पहली फोटो। अब अगर मैं दूसरी फोटो की बात करूं तो दूसरी फोटो, वाह हमारे महेश भट्ट वन एंड ओनली, सबसे लंबे एकदम उन्हीं की फोटो छपी हुई है, और उसके साथ साथ महेश भट्ट नहीं है, पूरे बॉलीवुड के कर्ता धरता यहाँ पे छपे हुए हैं। हाँ अमिताभ बच्चन भी है, विनोद खन्ना जी भी हैं, मिस यू विनोद सर, संजय दत्त भी हैं, ओहो कबीर बेदी भी हैं, ओहो जग्गू दादा अपना बिड़ू भी है, क्या बात, आशुतोष राणा भी आ गए, और उत्तरी आमिर खान भी है यार, ओह माय गॉड, क्या बात है, और करारा जवाब मिलेगा वाले मनोज बाजपेयी भी है, ओहो क्या बात, और ये महेश भट्ट जी अपने इकलौती बीवी के साथ भी तो खड़े हैं, इनकी बेटी पूजा भट्ट भी इनके साथ है, राहुल भट्ट, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट, अरे वाह वाह सारे भट्ट भट्ट भाई साहब, मियां बीवी बच्चों समेत महेश भट्ट, समझ नहीं आ रहा है कि इतने भट्ट है ये बुलेट है क्या, ये भट्ट 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 कर रही है इतना। अगर अपनी नेक्स्ट फोटो की बात करें, हो सुनील दत्त साहब, अरे भाई संजय दत्त के पापा जी सुनील दत्त साहब, मतलब भाई मैं कहना चाहूंगा सुनील दत्त ने भैया मतलब संजय दत्त के लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ किया, वो चाहे भाई लगे रहो मुन्ना भाई में देख लो, मुन्ना भाई में देख लो, या फिर भाई जो इनकी फिल्म संजू भाई थी उसमें कुछ देख लो, एक जो फादर और सन का कनेक्शन दिखाया है ना यार राजकुमार ईरानी ने, यार वो अल्टीमेट है, मतलब मजा ही आ गया था देख के। बाकी सुनील दत्त यार अपने टाइम में भी कितने लेजेंड एक्टर्स थे, मतलब एक से एक मूवीज, एक से एक रोल सुनील दत्त के नाम है यार, क्या एक्टिंग करते थे, ऊपर से डायरेक्शन में भी जब ये आए थे संजय दत्त को, इन्होंने तो लॉन्च किया था अपने बेटे को, खुद ही लॉन्च कर दिया, आई लव यू सर, और स्वैग था सर का अलग ही, मतलब सूट में क्या लग रहे हैं यार सर, क्या बात। अगर हम अपनी अगली फोटो की तरफ बढ़े तो एज सच तो कोई फोटो इसमें दिख नहीं रही, लो हमारी मैगजीन यहाँ होती है
समाप्त। भाई देख लो, आगे भी कलंक पीछे भी कलंक, क्या ही कर सकते हैं भाई। अब क्या बोले, अब कलंक ही कलंक छा रखा है, क्योंकि वरुण धवन के साथ हमारा एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता। वो बंदा कह रहा था भैया मेरे को भी इंटरव्यू करना है मायापुरी पे, तो हमने भी उसका एक पर्सनल इंटरव्यू किया और उससे काफी गपशप किया, उससे काफी जरा सवाल पूछे। हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे। यार आलिया भट्ट ने भी तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई मायापुरी मैगजीन के अंदर मेरा एक इंटरव्यू छाप दो, ताकि जो हमारी अपकमिंग फिल्म कलंक आ रही है थोड़ा अच्छा कमा ले। यार आलिया भट्ट से हमने एक सवाल पूछा था, आपने कौन सा लुक फिल्म कलंक में आपको ज्यादा पसंद आया? तो उन्होंने बेसिकली हमें ये बताया था कि उन्होंने जो सफेद कपड़े हैं बहुत कैरी कर रहे थे, तो उनको सफेद कपड़ों से कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत और लव हो गया है उन सफेद कपड़ों से। मतलब जब से इन्होंने हमें जितने भी ट्रेलर या गाने वाने देख ले, मोस्टली आलिया भट्ट ने सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही पहने हैं। मतलब घरेलू टाइप की औरत जो होती है ना, एकदम प्यारी लग रही है आलिया भट्ट वैसे में, और उनको सफेद रंग से प्यार भी हो गया है। और इतना ही नहीं यार, हमने तो चुटकी लेते हुए ना इनसे एक सवाल ये भी पूछा था कि जैसे नीतू कपूर है भाई, वो उनकी बहुत तारीफ करती रहती है ट्विटर पे, तो हमने उनसे ये भी पूछा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी नीतू कपूर को आप में अच्छी लगी जो बाकी रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड्स में नहीं लगी। हंस के बोली खैर वो कि मैं अपने बारे में क्या बोलूं, उन्हें क्या गुण मेरे में पसंद आए, ये तो आपको उनसे ही पूछना होगा। जी हाँ, उन्होंने कोई चीज मेरे साथ शेयर की है, किंतु वह बहुत ही पर्सनल है जिसे वह पब्लिकली नहीं बता सकती। मैं कह रहा हूँ इसका भी कटेगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ इसका भी कटेगा भाई। नीतू कपूर को तो कटरीना कैफ भी पसंद आई थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं होने वाला है, पक्का बोल रहा भाई। लेकिन एक बात और है कि हमें इस मूवी के अंदर एक अच्छी सी चीज और पता चली थी, मतलब इनके इंटरव्यू करते बस इन्होंने एक बताया कि इन्होंने क्लासिकल डांस पे हमने क्वेश्चन भी पूछा था, तो इन्होंने पहली बार इस मूवी में क्लासिकल डांस करा है। तो वो खुद कह रही थी कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम इसमें क्लासिकल डांस करा है, मैंने इसमें 2-3 महीने प्रैक्टिस करी थी, जिसको कोरियोग्राफ रेमो डिसूजा ने करा था, और उसके बाद उसको कैरी करा, अच्छे से डांस प्रैक्टिस करके, तभी तो भाई हर जगह जब भी कलंक की गाना आ रहा होता है कुछ भी आ रहा होता है, बस अपना कथक दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा माधुरी दीक्षित जी के साथ जो आलिया भट्ट ने ताल से ताल मिलाया है, मतलब दोनों ही इतनी कमाल की लग रही है घर मोरे परदेसिया गाने में, क्या बताऊं यार मैं आपको। यार एक अपने टाइम की लेजेंड, एक हमारे टाइम की लेजेंड, लेजेंड चल रही है लेजेंड। एक और लेजेंड का हमने इंटरव्यू लिया था, उसके बारे में बताते हैं, वरुण धवन। एक और कल लेजेंड के बारे में सही कह रहा है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वरुण धवन से हमने एक क्वेश्चन पूछा था बेसिकली कि भैया सबसे पहले तो छूटते यार भाई, तू लौंडा है ना, तो लौंडे से लौंडे एक सवाल, भाई तू अपनी बंदी से शादी कब कर रहा है नताशा दलाल से? इसके ऊपर वरुण धवन क्या कहते हैं, ये सब अफवाह है, मैं कुछ शादी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पक्का कह सकता हूं इसका भी कटेगा। ये बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है भैया, मैं बता रहा हूं आपको। क्या इन्होंने बेसिकली हमसे इनसे ये भी पूछा था कि भैया ऐसी क्या बात है, कोई प्रेशर प्रेशर है क्या आपको अपनी फैमिली की तरफ से या फिर नताशा की तरफ से? तो इसके ऊपर वो कहते हैं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर किसी का भी प्रेशर नहीं है, वैसे भी लड़कियों के पास भी बहुत काम है आजकल, तो कोई भी लड़की शादी जल्द नहीं करती। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं वो कि नताशा के पास इनसे ज्यादा काम है भाई, उस पर काम नहीं है शादी करने का। लेकिन इसके अलावा इनसे और भी काफी ज्यादा मूवी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे कि कलंक जो कि एक पीरियड फिल्म है, उनकी पहली पीरियड फिल्म है, उसमें 1940s के दशक का वो रोल निभा रहे हैं और इतने बड़े बैनर बना रहे हैं, मल्टी स्टार कास्ट मूवी है, तो आपको इसमें काम करके कैसा लग रहा है? तो ऑब्वियसली उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ भैया पहला एक्सपीरियंस है, वो भी धर्मा की मूवी में, और मतलब इतने बड़े बजट की मूवी में 1940s का दशक जो दिखाया गया है, इनके लिए तो टफ था ही था, लेकिन बाकी स्टार कास्ट के साथ काम करना भी कोई आसान बात नहीं थी भैया, काफी ज्यादा मुश्किल था, पर हाँ उनको मजा आया ये चीज करने में। अब ये होप करते हैं कि कलंक उतना ही ज्यादा कलेक्शन करे और इनकी पिक्चर ये भी हिट हो जाए। लेकिन भाई एक बात है, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर एक चीज और बची हुई है, हमने जब इनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो सिर्फ नताशा दलाल की इन्होंने खबर को अफवाह नहीं बताया, बाकी एक और अफवाह बताया, जैसे कि सब सुनने में आ रहे थे कि स्त्री 2 के अंदर ये आ रहे हैं, तो उन्होंने साहब बोल दिया कि नहीं भाई ये भी एक अफवाह है, मैं कोई स्त्री 2 में नहीं आ रहा हूँ, मेरे लिए कलंक ही बेहतर है। तो बेसिकली भैया ये आज की फोटोज और कुछ इंटरव्यूज जो आलिया भट्ट और वरुण धवन ने हमारे को यही बोले कि मायापुरी मैगजीन को स्पेशली रिक्वेस्ट करके कहा कि भैया इसे छाप दो, ताकि हमारी जो अपकमिंग फिल्म कलंक आ रही है भाई वो सुपर डुपर हिट हो जाए। तो उन सबको बोलना चाहता हूँ यार टेंशन मत लो, आप लोग फ्रंट पेज पे हो, बहुत आराम से आपकी कमाई हो जाएगी। और भैया मतलब मायापुरी मैगजीन जहाँ पे भी छपती है मतलब दबा के सोल्ड होती है, और अगर आपको नहीं मिल रही है आपके नजदीकी बुक स्टोर में जाइए आपको मिल जाएगी, और फिर भी अगर नहीं मिलती तो हमें कमेंट करके नीचे बता दो यार, अपना एड्रेस हम भिजवा देंगे आपको। ऐसे भी यार हर फ्राइडे आती है यार, नियरेस्ट आपको बुक स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी, नहीं मिली तो जैसे किसने बताया नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो भाई, एडिशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ,
2323 है, अपना एड्रेस के साथ बता दो कि आपको इस एडिशन की चाहिए, इससे पहले वाली एडिशन की भी चाहिए तो भी उसका नंबर आप लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगी, घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। ये तो थी भाई आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।